लग रहा है ब्रो तेरे को, ब्रो तेरे को कैसा लग रहा है? एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। मैं हूं खुशबू, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो व्लॉग है, बाय द वे ये लड्डू है, लड्डू बोला कि मेरे को भी वीडियो में आना है तो ये भी आ गया है और स्माइल आप इसके फेस पे देख सकते हो। हाँ तो गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा स्पेशल होगा। सबसे स्पेशल बात तो ये है कि मैं अपने घर पे आ गई हूँ और दूसरी स्पेशल बात ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं, मतलब सेशन चले हुए थे तो वो भी ख़त्म हो गए। और तीसरी स्पेशल बात ये है कि हाँ, जो बेसिकली आज का जो व्लॉग है वो ये है कि मेरा टचवुड है, मेरा जो भाई है वो नेशनल्स में गोल्ड लेके आया है बॉक्सिंग में। तो हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है घर में और हम उसका स्वागत वगैरह करेंगे, तो ये जो व्लॉग है बेसिकली उसी के बारे में ही है। और एक्साइटमेंट तो आप मेरे फेस पर देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा हो रही है। एक तो घर आई हूँ, मतलब लास्ट में रक्षाबंधन पर आई थी, उसके बाद अभी आई हूँ, तो एक्साइटमेंट आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा। और दूसरा लड्डू भी साथ में है तो ये भी काफ़ी खुश है वीडियो में आके। बाकी आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, तब तक के स्टे ट्यून्ड। कैसा लग रहा है ब्रो तेरे को, ब्रो तेरे को कैसा लग रहा है? देर उधर को घर के बाहर सबने इतना ज़्यादा कॉन्ग्रेट्स करा, सबने ब्लेसिंग्स दी, फिर घर के अंदर सब इसको दे रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तेरी कमाई होगी भाई, तेरी तो है। रील वर्सेस रियलिटी। हाँ के? मगर मैं डले जीते पाँच मिनट। हाँ तो
आए थे, बट जो मेरी सबसे छोटे वाली बुआ थी वो नहीं आ पाई थी क्योंकि वो अमेरिका में थी उस टाइम पे, तो वो नहीं आ पाए थे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपना रिव्यू कमेंट में जरूर बता देना। दीजिएगा इतनी धनराशि का आप हो गया आज का हमारा फंक्शन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मतलब एक चीज़ मिस हो गई, हमने सोचा था कि इसका ढोल वगैरह के साथ में स्वागत करेंगे, बट सुबह ही पता चला कि गांव में किसी की डेथ हो गई थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो वो दूसरी साइड था बट स्टिल अच्छा नहीं लगता था, तो वो सब नहीं हुआ। बाकी ओवरऑल काफ़ी सही था, बहुत बढ़िया था। और फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सब मैंने पहले भी बोल दिया बट आप लोग देखते नहीं हो, मतलब देखते हो अच्छी बात है, व्यूज़ आ रहे हैं, बट आप लोग वीडियो को लाइक कम करते हो। मैंने कल ही चेक करा कि मेरे जो व्यूज़ है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो उनको भी थैंक यू, आप लोग वीडियो को देख रहे हो, बट आप लोगों ने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबा देना और अपना कमेंट रिव्यू में ज़रूर बता देना। रात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कुत्ते भौंकते ही हैं। हॉस्टल में पता नहीं चलता कि क्या टाइम हो रहा है अभी। 9:22 हो रहे हैं, 9:22 तो वहाँ पर ऐसे होते हैं कि इधर उधर घूम रहे होते हैं सब लोग, और यहाँ पर बिल्कुल शांति। तो ये डिफरेंस है हॉस्टल और घर में, अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा। वहाँ पे तो हम लेट तक जगते हैं, बट चलो ठीक। बस एक चीज़ की कमी थी आज, बस वो थी कि दादा जी नहीं थे, तो बस उसी वही चीज़ एक मिसिंग हुई कि मतलब अगर दादा होते ना तो इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाते कि वाओ रुद्र का मेडल आया है, खुशबू भी घर पे आ गई है, मतलब बहुत एक्साइट हो जाते, बट कोई बात नहीं। बाकी ओवरऑल सब बढ़िया था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हाँ थोड़े दिन मैं घर ही रुकूंगी, मतलब काफ़ी टाइम के बाद घर आई हूँ तो अच्छे से रुक के जाऊंगी। आज का दिन तो यार सारा इसी में चला गया, सब काफ़ी सारे रिलेटिव्स आए हुए थे, उनके आने जाने में ही काफ़ी सब कुछ लग गया, और बहुत अच्छा लगा कि सब लोग आए हुए थे, मतलब काफ़ी टाइम के बाद सबसे मिली तो बहुत बढ़िया लगा। और हाँ बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।